नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम अपने सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट वीनस या शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको मरकुरी या बुध ग्रह के बारे में बताया था। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का एक चमकीला प्लैनेट है। यहाँ हम इसकी संरचना के बारे में जानेंगे, इस पर उपस्थित तत्वों के बारे में जानेंगे और वीनस पर भेजे गए सैटेलाइट मिशन के बारे में भी जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे अधिक निकट है, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। शुक्र ग्रह का डायमीटर 12,102 किलोमीटर तथा डेंसिटी 5.2 है। द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है। वीनस का टेम्परेचर +475 डिग्री सेंटीग्रेड है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता 70% होने के कारण शुक्र सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। यही कारण है कि इसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र एक पृथ्वी की तरह स्थलीय ग्रह है। शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परत से ढका हुआ है। इसके वायुमंडल में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.4% नाइट्रोजन, 0.015% सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। वीनस का वायुमंडल बहुत घना है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की एक छोटी मात्रा से मिलकर बना है, जिससे शुक्र ग्रह पर सदैव प्रेशर कुकर जैसी दशा बनी रहती है। शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल होते हैं। आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर होने के बावजूद शुक्र में आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की कमी है। संभावना यह है कि शुक्र का कोर लोहे तथा निकेल का बना हुआ है। शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 225 दिनों में पूरा करता है। शुक्र की सूर्य से औसत दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र अपने अक्ष पर लगभग 243 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है। शुक्र का वर्ष काल लगभग 225 दिन से अधिक होता है। शुक्र अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज घूमता है। वीनस का अपना कोई उपग्रह नहीं है। एक दुर्लभ खगोलीय घटना के अनुसार शुक्र ग्रह 5 से 6 जून 2012 को पृथ्वी व सूर्य के बीच से गुजरा, जिसे शुक्र का पारगमन कहते हैं। ये 8-8 वर्ष के अंतराल पर होने वाली एक दोहरी घटना है। वीनस पर मिशंस की बात करें तो पहला मिशन रोबोटिक अंतरिक्ष यान मिशन 12 फरवरी 1961 को वेनेरा 1 यान के प्रक्षेपण के साथ आरंभ हुआ था। यह मिशन सोवियत वेनेरा कार्यक्रम के अंतर्गत यह पहला यान था। वेनेरा 1 ने मिशन के 7वें दिन संपर्क खो दिया, तब यह पृथ्वी से 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। वीनस के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का मैरिनर 1 यान को खोने के साथ बुरे हाल से शुरू हुआ, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का मैरिनर 2 ने सफलता पाई। 14 दिसंबर 1962 को अपने 109 दिवसीय कक्षांतरण के साथ ही यह शुक्र की धरती से 34,883 किलोमीटर ऊपर से गुजरने वाला दुनिया का पहला सफलतम अंतर्ग्रही मिशन बन गया। इसके माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रेडियोमीटर से पता चला कि शुक्र के सबसे ऊपरी बादल शांत थे, जबकि पूर्व के भू आधारित मापनों ने शुक्र की सतह के तापमान का अत्यधिक गर्म होने की पुष्टि की है, जिससे वहां पर जीवन होने की उम्मीद भी खत्म हो गई।
मैरिनर 2 ने शुक्र के द्रव्यमान और खगोलीय दूरी को और बेहतर तरीके से प्राप्त किया, पर वह चुंबकीय क्षेत्र या विकिरण बेल्ट का पता लगाने में असमर्थ रहा। 18 अक्टूबर 1967 को रूस के वेनेरा 4 ने सफलतापूर्वक वायुमंडल में प्रवेश किया और शुक्र के वायुमंडल में वैज्ञानिकों ने उपकरणों को तैनात किया। वेनेरा 4 ने सतह के तापमान को मैरिनर 2 द्वारा मापे गए लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम से भी ज़्यादा तापमान होने का अनुमान लगाया और वीनस के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड होने का अनुमान लगाया। वेनेरा 4 के रचनाकारों द्वारा लगाए गए अनुमानों की तुलना में शुक्र का वायुमंडल काफ़ी घना था। रूस के वेनेरा 10 ने इसके ठीक दिन बाद 25 अक्टूबर को वायुमंडल में प्रवेश कर शुक्र के परिदृश्य की पहली तस्वीर भेजी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैरिनर 10 को उस गुरुत्वीय प्रक्षेप वक्र पर भेजा जिसकी राह शुक्र से होकर बुध ग्रह की ओर जाती थी। 5 फरवरी 1975 को मैरिनर 10 शुक्र से 5790 किलोमीटर नज़दीक से गुजरा और 4000 से ज़्यादा तस्वीरों के साथ वापस लौटा। इसने तब की सबसे अच्छी तस्वीरें हासिल की थी जिसमें दृश्य प्रकाश में शुक्र को लगभग आकृतिहीन दिखाया गया था। वीनस के अभी हाल की मिशंस के बारे में बात करें तो नासा ने अपने न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम के तहत सतह की स्थिति का अध्ययन करने और खनिजीय लक्षणों की जांच करने के लिए शुक्र ग्रह पर उतरने के लिए एक वीनस इन सिटू एक्सप्लोरर नामक लैंडर मिशन का प्रस्ताव किया है। यह यान सतह में ड्रिल करने और चट्टान के नमूनों के अध्ययन के लिए जो कठोर सतही परिस्थितियों से अपेक्षित नहीं हुए हैं के लिए एक कोर सैंपल से लैस किया जाएगा। तो ये थी वीनस प्लैनेट के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको यहाँ काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।